ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಾಮನ ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು मुझे बहुत खुशी है कि रोड के क्षेत्र में मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने इतने रोड बना है, मुझे मेरे को बोलने के बजाय आप ही रोड का अनुभव कर रहे हैं। मैं अभी उतरा तो कोल्हापुर से बेलगांव के रोड का काम जोरों में चल रहा था। बहुत रोड मंजूर हुए, फोर लेनिंग ऑफ बेलगांव, बेलगावी हटारगी, संकेश्वर, निपानी और कोबनोली, ये गोवास को खानापुर के माध्यम से जो बेहतर कनेक्टिविटी 78 किलोमीटर 543 करोड़ का ये काम हमने पूरा किया। एक नया विकास होगा, रोड होगा, जल संवर्धन के काम शुरू है, क्योंकि 21वीं सदी की राजनीति है ये, विकास की राजनीति है। उमेश जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, आज यहाँ आने के बाद मुझे उनकी याद आ रही। मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो येदियुरप्पा जी के साथ बार बार वो मुझे मिलते थे। आज उनका अचानक जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्षेत्र के लिए भी और कर्नाटक के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है, पर उनके जिम्मेदारी को लेकर उनका जो बेटा है वो उसी स्पीड से आप सब के लिए काम करना चाहता है। और निखिल में ये क्षमता है कि इस क्षेत्र का कल्याण करके, यहाँ का विकास करके, उद्योग व्यवसाय को बढ़ाकर, यहाँ की गरीबी भूखमरी को दूर करके इस क्षेत्र का विकास करने की क्षमता निखिल के नेतृत्व में है। और इसीलिए मैं आपके सामने ये आह्वान करने के लिए आया हूँ कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, निखिल को प्रचंड मतों से विजय करिए और भारतीय जनता पार्टी को आपकी सेवा करने का फिर से एक बार अवसर दीजिए। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮೀ ಆಪಲ್ಯಾ ಸಗಳ್ಯಾನಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರತ ಆಹೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಅನೇಕ ಚಾಂಗಲ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಕಾಸ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರನೆ ಕೇಳಿದ ಅಳೆ ಓಣ ಆಸ್ ಪರ್ಯಂತ ತುಮಿ ಜೆ ಬಗಿತ್ಲ तो विकास समझे कि केवल शुरुआत है, अभी तो असली फिल्म शुरू होना बाकी है। तुम्हें जर ताकत दिली, तुम्हें जर शक्ति दिली तो मोठ्या प्रमाणावर या भागाचं भविष्य आणि चित्र बदलल्याशिवाय राहणार नाही। आणि म्हणून मी तुम्हाला प्रार्थना करण्याकरता आलो आहे कि आपल्या सगळ्यांमध्ये लोकप्रिय असणारे श्रीमंत बाळासाहेब पाटील यांच्या कमळाच्या फुलाची बटन दाबा, त्यांना प्रचंड मताने विजय करा। असा करंट लागेल की बाकीचे सगळे उमेदवार आपल्या खुर्चीतून 6 इंच वरती उडल्याशिवाय राहणार नाही। तो करंट तुम्ही लावावा, भारतीय जनता पार्टीला विजयी करावं
आणि श्रीमंत बाळासाहेब पाटलांना आपल्या सेवेची संधी द्यावी म्हणून विनंती करण्याकरता मी आपल्याकडे आलो आहे। आपण त्यांना प्रचंड मताने विजय करा अशी विनंती करतो। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार।